तो दोस्त, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें अपनी जीएफ या फिर बीएफ पर डाउट हो जाता है कि कहीं ये मेरे अलावे किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, और इसके लिए हमें उन पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इतना ही नहीं, कई बार हमें अपनी जीएफ या फिर बीएफ की कॉल हिस्ट्री तक निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल काफ़ी सारे लोग जियो सिम का ही इस्तेमाल करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी जियो नंबर की कॉल हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्त, आज इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका कोई हैकिंग का तरीका नहीं है, हैकिंग मेथड नहीं है, ये एक जेन्यून तरीका है। और इस वीडियो में मैं आपको माई जियो ऐप के थ्रू किसी भी जियो नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्त, मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बैंकिंग विथ सुमित। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को मैंने कल ही क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड, चाहे वो बैंकिंग ऐप हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर कोई भीम यूपीआई हो, किसी भी बैंकिंग टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने में या फिर बैंकिंग ऐप को यूज करने में, ओटीपी से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। या फिर आप योनो एसबीआई में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा देना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर, अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आप जरूर से जरूर विजिट करना और चैनल को सपोर्ट जरूर करना यार। ओके, छोटी सी बिनती है। बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए, अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ ये जेन्यून प्रोसेस है, और इससे आप किसी का कॉल हैक नहीं कर सकते या फिर किसी का मोबाइल फोन हैक करके कॉल हिस्ट्री नहीं निकाल पाएंगे। ये एक जेन्यून मेथड है, लीगली तरीके से आप किसी भी जियो नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में माई जियो ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्त, माई जियो ऐप में लॉगिन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर पाएंगे, और दूसरा आप जिनका कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं, कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं जिनके जियो नंबर का, उनका आप मोबाइल नंबर लेकर के यहाँ पर लॉगिन करेंगे। बट वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक लीगल तरीका है, तो भाई ओटीपी तो आपको किसी ना किसी तरीके से उस बंदे या फिर बंदी से लेना पड़ेगा जिसका आप कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लीगल तरीका है, जेन्यून तरीका है, आप वहाँ से ओटीपी मंगा करके यहाँ पर डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन मान लो अगर आपने अपने नंबर से यहाँ पर लॉगिन किया है तो आप कॉल हिस्ट्री कैसे चेक करोगे, या फिर दूसरे नंबर से आपने लॉगिन किया है तो आप उनका कॉल हिस्ट्री कैसे चेक करोगे। तो देखिए, अगर आपने अपने नंबर से यहाँ पर लॉगिन किया है माई जियो ऐप में और दूसरे जियो नंबर का कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना होगा। सबसे पहले तो कॉल डिटेल्स कैसे देखा जाता है इसके रिगार्डिंग मैं प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का कॉल डिटेल्स कैसे देखा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूजेज डिटेल्स का, ट्रेंडिंग नाउ के जस्ट नीचे यूजेज डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, डाटा, कॉल्स, एसएमएस, यानी कि इस नंबर पर कितना डाटा समाप्त हुआ है यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा कॉल्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरा आपको कॉल हिस्ट्री दिख जाएगा कि ये बंदा यानी कि इस नंबर से कौन कौन नंबर पर कॉल गया है और कितनी देर बात हुई है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लोकल है या एसटीडी है, कितना देर बात हुआ है, कितना बजे कॉल हुआ है, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एसएमएस पर क्लिक करना है, अगर किसी ने एसएमएस वगैरह भेज या रिसीव कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉल डिटेल्स चेक कर पाएंगे दूसरे का नंबर यहाँ पर लॉगिन करके। लेकिन मान लो अगर आपने ऑलरेडी अपना नंबर लॉगिन कर रखा है उसके बावजूद भी आप दूसरे का कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो भाई इसका भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहीं पर देखिए आपका जो डिटेल यानी कि आपके प्लान का जो डिटेल दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एरो का, ये रहा छोटा सा आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नंबर दिखाया जाएगा, और उसके बाद जस्ट साइड में एक ऑप्शन है स्विच अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दूसरा नंबर भी दिख रहा होगा क्योंकि मैंने दूसरा नंबर लिंक कर रखा है।
अगर आप उनका नंबर लिंक करना चाहते हैं जिनका आप कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो नीचे में देखिए एक ऑप्शन है लिंक न्यू अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपको मोबाइल चूज करना होगा, मोबाइल इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिनका कॉल हिस्ट्री देखना चाहते हैं आप उनका जियो नंबर डालिए। ठीक है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए और एक ओटीपी उनके मोबाइल नंबर पर जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे केस में आ चुका है ओटीपी और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अकाउंट एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर तीनों नंबर आ चुके हैं। अब आप जिस भी जियो नंबर की कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब यहीं पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यूजेज का। ठीक है, यहाँ पर यूजेज डिटेल्स का, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जितना डाटा समाप्त हुआ होगा इस नंबर पर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। कॉल्स पर क्लिक कीजिए तो जिस जिस नंबर से बात हुआ होगा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा कि कितना देर बात हुआ है, कब बात हुआ है। ठीक है, पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा और एसएमएस भी हुआ होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जियो नंबर की कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, वो भी लीगली तरीके से। ये कोई हैकिंग का तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी और उस ओटीपी को आपको किसी ना किसी तरीके से लेना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा अगले बंदे या फिर बंदे से। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।